मैं अभी बुलाता हूँ मेरे मित्र पंकज भाई पटेल को, वो आए और आपसे कुछ दो मिनट में उनसे आपके सामने चर्चा करें। वेलकम, आइए पंकज भाई। तो पंकज भाई, स्वागत है आपका आज डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में। थैंक यू। और हमारे जो व्यूअर सामने हैं आज बैठे हुए, वो भी आपकी कुछ बातचीत करके, आपकी बात को सुन के ज़रूर लाभान्वित होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ पंकज भाई कि आपने जब शुरू किया 1995 में, परिवार आपका एक सम्मिलित परिवार था, उससे आप अलग हुए, लगभग आप ज़ीरो के स्थिति से आपने शुरू किया, तो ऐसा क्या चीज़ आपने किया जिससे कि आपको ना कि कामयाबी मिली और अभी भी आप उस कामयाबी पर बढ़ते चले जा रहे हैं और भगवान करे और भी आप आगे बढ़ें। क्या आप कहना चाहेंगे हमारे यूथ को और एंटरप्रेन्योर्स को? आई थिंक उसमें मैंने तीन चीज़ किया। पहला तो मैंने देखा कि जो मेरे पास मेरे साथ में जो मेरे साथी हैं उनको कैसे एम्पावर किया जाए कि जिससे वो ज़्यादा काम कर सके। मैं अकेला था, मुझे बहुत कुछ करने का उम्मीद था, लेकिन अकेला सब नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे टीम चाहिए। बट इम्पोर्टेंट था कि टीम को मैं कैसे एम्पावर करूँ। तो मैंने अपने बिजनेस को डिफरेंट बिजनेस यूनिट में डिवाइड कर दिया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में डिवाइड कर दिया, और हर एक जो पर्सन मेरे पास था जिसकी कैपेबिलिटी थी, जिसको मैंने देखा था कि उसकी कैपेबिलिटी है, उनको आइडेंटिफाई करके उस बिजनेस का हेड बना दिया। यानी कि एक पंकज पटेल का मैंने, तो आपने ये कह सकते हैं कि आपने एक पंकज पटेल के 10 बनाए और आपने उन टैलेंट को पहचाना कि किस में क्या टैलेंट है, और उस आदमी को उस बिजनेस का जवाबदारी सौंपा जिससे कि वो आगे बढ़ा सके, एक की जगह 10 पंकज पटेल बन के। करेक्ट। उसके बाद में मैंने सोचा कि ये तो ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई किया कि इनकी इनहेरेंट टैलेंट है, लेकिन अगर उनके पास कोई ध्येय नहीं है, गोल नहीं है, विजन नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे। सो आई एनकरेज एवरीबडी टू स्टार्ट थिंकिंग लॉन्ग टर्म एंड क्रिएट विजन फॉर देम कि ये 100 पे है 500 पे जाएंगे, ये 100 वाला 1000 पे जाएगा वगैरह। वो जब सब किया तो उससे सबका पूरा एक मोटिवेशन हो गया कि जिससे दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रियली एम फॉर समथिंग टेंजिबल इन फ्रंट ऑफ देम। आई इंसिस्टेड कि एवरीबडी शुड टेक अ टेंजिबल नंबर, नॉट जस्ट से मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूँ बट मैं 100 से 1000 होना चाहता हूँ, ऐसी बात करें तो एक आइडेंटिफाइबल गोल करने के लिए इनको मोटिवेट किया और उन्होंने सबने अपना गोल बनाया। तीसरा चीज़ मैंने किया कि ये लोग तो सब कैपेबल है, टैलेंटेड है, लेकिन उनके पास मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स नहीं है। इतना कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई है कि जो कि IIM अहमदाबाद जैसे स्कूल में चले गए और अच्छी सी पढ़ाई हो गई, अच्छा सा टेक्नोलॉजी मिल गया मैनेजमेंट के जिससे कि वो प्लान बना के कर सके। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ क्यों नहीं, IIM अहमदाबाद अहमदाबाद में है, हाँ, उसी में चले जाते हैं जी, उनसे ही सीख लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और सबको तकरीबन एक महीना तक ट्रेन किया यहाँ पे विथ ऑल दी टैलेंटेड फैकल्टी हियर टू रियली अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड ऑल्सो वर्किंग ऑन स्ट्रैटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान। बट वॉट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट बिकॉज मैंने अपने साथ करने वाले को अपॉर्चुनिटी दिया तो उनका कमिटमेंट वॉज वेरी हाई। और अल्टीमेटली बिजनेस में जो भी आपके पास टैलेंट है, इफ़ इट इज नॉट कमिटेड टू योर वर्क और योर बिजनेस, इवन इफ इज द बेस्ट टैलेंट, ही विल नॉट प्रोड्यूस द बेस्ट जी। वो टू वे ट्रीट है, इट कैन नॉट बी डन वन वे, इट हैज टू बी, एंड दैट इज व्हाट वी डिड एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी आर नाउ टुडे। दैट्स वंडरफुल। तो दोस्तों, आपने देखा कि पंकज भाई ने किस प्रकार से टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, उनको राइट प्लेसमेंट किया, और जहाँ ज़रूरत पड़ी उन्होंने उनको ढंग की ट्रेनिंग भी दे करके और आगे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आगे और भी आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि आगे हम इस शो को बढ़ाएं, मैं चाहूँगा कि आप में से कोई प्रश्न पूछना हो पंकज भाई से,
तो जरूर प्लीज पूछिए। हाँ यस प्लीज सर, टैलेंट मैनेजमेंट से जरा सा हटके क्वेश्चन है, आप दोनों के लिए पर्सनल क्वेश्चन है। यूजुअली बिजनेसमैन या बिजनेस टाइकून या पर्सनालिटी की लाइफ में दो टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, एक मैनमेड जो अपने गट्स फीलिंग से वो लाता है और दूसरा गॉड मेड डिवाइन स्पिरिचुअल सिग्नल आपको मिलती है। आप दोनों की लाइफ के ऐसे कोई दो टर्निंग पॉइंट आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? आई थिंक अल्टीमेटली इट इज ऑल हार्ड वर्क, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड के विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो देयर इज नो मैजिक की which will open the door for success. Ultimately, it is your hard work which is going to be the most important. But only hard work is not enough. So you need to really think, create strategy, create implementation to make whatever your dream comes to. But most important part is people want to do something which other person is doing, but what doesn't want to do what is in the inner tell you that I want to do this. You might be a medical doctor, but you want to start a restaurant. There is nothing wrong in it. But the point is that I am a doctor, I have to do only medical practice. That is the kind of thing which we have in mind. See, education is there and it's very important, but that is basically developing yourself. It does not mean that you have to only practice that. You might be a commerce graduate, does not mean you cannot become an engineer. And you can be an engineer, you can become a banker. Both are possible. The question is what you really like is what you should do. Most of the people look around and think about others, what they've done, and I want to do the same thing, rather than doesn't think that I like this and that's what I should do it. So I think that is one thing which is I personally believe, and then along with the hard work happen. I do not believe that something divine happens and that's why I'm absolutely successful. Absolutely right. मैं आपको एक, क्योंकि आपने प्रश्न दोनों से पूछा, तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा गट फील के विषय में। मेरा ये मानना है कि सक्सेस जो है गट फील से ज़्यादा आप किस सिचुएशन में हैं, किस हालात में हैं, उस समय की नाजुकता क्या है, आपको क्या चाहिए, और वो अगर कठिन समय है, कठिन जगह है, कठिन बात है, उसको उस कठिनाई को पार करना, किस तरह से पार करना, ये एक बड़ा अहम विषय है। मैं ये बताऊंगा कि मुझे जब मैंने 1969 में 69 में जब अपना परिवार का बिजनेस टेक ओवर करके शुरू किया, जो कि फूड ग्रेन प्रोसेसिंग का था, वर्किंग कैपिटल नहीं थी परिवार के पास, मेरे पास, तो एक ज़रूरत थी इस प्रकार की कि वर्किंग कैपिटल नहीं है तो दाल मिल कारखाना कैसे चलेगा। तो ऐसे विचार में आया कि फूड कॉरपोरेशन के पास रॉ मटेरियल है जो कि वो ख़रीदते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ज़रिए ख़रीदते हैं, फिर ट्रेड में बेचते हैं, क्यों ना मैं उनसे कहूं कि वो मुझे दे दें, मैं उसको अपग्रेड करके मिलिट्री के लायक बना के आपको वापस दे दूंगा, अपना लेबर चार्ज ले लूँगा। तो वो इनोवेशन, चाहे इसको गट कहें, चाहे नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन कहें, वो हुआ, उससे हम आगे बढ़ते चले गए। और दूसरा जो आपने कहा कि कहीं पे कोई कॉस्मिक इंटरवेंशन क्या कुछ होता है कि कामयाबी में, शायद होता होगा ज़रूर, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यदि अगर आप अपना क्लीन विचार हैं, क्लीन थॉट प्रोसेस है, अगर आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी हैज़ गॉट हेल्दी माइंड, उसी तरीके से अगर आपका माइंड थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी लगा हुआ है तो आपको ठीक विचार आएंगे, ठीक दिशा मिलेगी, तो उस हिसाब तक वो रोल प्ले करता है। आई होप दैट आंसर्स बोथ ऑफ योर क्वेश्चन। मैं एक बात ऐड करूँ आपके बात में, बताइए, ये जो होता है एनी थिंग वॉट यू डू इन लाइफ, वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Even if you are starting an enterprise, if you don't build your enterprise based on values, you cannot achieve success. जो उन्होंने बताया वो value है, and that is very important. बिल्कुल, बिल्कुल। जी और प्रश्न कोई? मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा।
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, अभी तो शायद आप इतनी ये पोजीशन पे हैं कि शायद आप इंटरव्यू नहीं लेते होंगे, और आपने अभी बोला कि किसी को ट्रेन करना पड़ता है एक बार वो ज्वाइन हो जाता है तो, लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि लोग स्पार्क देखते हैं किसी में भी जब उसको इंटरव्यू लेते हैं टैलेंट हायर करने के लिए, और नॉर्मली 30 सेकेंड 40 सेकेंड में लोग डिसीजन बना लेते हैं इंटरव्यूअर्स कि ये बंदा को आगे लेके जाना चाहिए बंदी को, तो आपको ऐसा लगता है कि वो स्पार्क रियली होता है और वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है इजीली? टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अलग ही प्रोसेस है इंटरव्यू का, जो मैं समझाऊं। टैलेंट को आइडेंटिफाई करना ये भी एक अपने आप में एक आर्ट है। अभी हम लोगों ने, खासकर इंडियन बिजनेस कॉरपोरेट वर्ल्ड ने, टैलेंट को उस ठीक रूप से आइडेंटिफाई इंटरव्यू के समय में नहीं कर पाए। जब आदमी काम करने लगता है साथ में तो धीरे 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 उनके टैलेंट समझ में आने लगते हैं, और उसको उसके मुताबिक प्रमोशन, डेविएशन, राइट फिटमेंट, ये सब होता है। लेकिन इनिशियली आइडेंटिफाई करना अभी भी एक इट्स इन ए वेरी इनिशियल फेजेस ऑफ द साइकिल इन दिस आवर कंट्री। जी, और प्रश्न? Yeah, the most important thing for any kind of talent management is also for startups, and particularly when you are startups and you don't have enough funds, how exactly we can retain those talents? That is the most difficult part for any startups. See, I think that's the myth. People want to go and build a career anywhere they go. However, the career has to not only offer compensation, but also job satisfaction, a pleasure of working. So how do you create an atmosphere at workplace which is a pleasure of going to workplace and work? I always tell my people that our workplace should be such that when you come in the morning, you feel, oh, I'm going to office, very good, I'm happy. And I don't want to go home early. It should be an experience better than home at office. It's easy to say, difficult to achieve. Yeah. But unless you create that kind of, then you won't have a retention problem. People leave only people. People don't leave for anything else. So if you're not a good leader, people are going to leave. Yes. Otherwise, they're not going to leave. देखिए, जैसा पंकज भाई ने कहा, people, लोग ज्वाइन करते हैं कंपनीज को, लेकिन जब वो छोड़ते हैं तो वो अपने मैनेजर को छोड़ते हैं। टैलेंट केवल पैसे से ही नहीं रिटेन किया जा सकता, ये आप कभी मत भूलिएगा।